आप दोस्तों, प्रियंका द किचन क्वीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग के हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मूंग, एक कटोरी शक्कर। शक्कर की जगह आप बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शक्कर में ज्यादा अच्छे बनते हैं। घी, किशमिश, बादाम और काजू। इसके बाद हम मूंग को कुछ देर तक भून लेते हैं, जब तक कि हल्का कलर चेंज ना हो। इसको 4-5 मिनट भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया और अब हम इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मूंग ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में महीन महीन पीस लेंगे। इसके बाद हम काजू बादाम फ्राई करेंगे। आप बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई किए हुए डालने से ज्यादा टेस्टी बनते हैं। अभी हम कढ़ाई में थोड़ा घी डालेंगे। घी डालने के बाद पिसा हुआ मूंग इसमें डाल के 4-5 मिनट के लिए भून लेते हैं। मिनट सेकने के बाद में काजू बादाम फ्राई किए हुए पीस के या फिर काट के आप डाल लेना है। इसके बाद शक्कर या चीनी मिला लेना है। और ठंडा होने के बाद लड्डू बना लेना। ठंडा होने के बाद हमें छोटे छोटे लड्डू बना लेना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।